तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। नहीं, जब टाइटल ही बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस है तो पेटीएम का सीईओ तो नहीं नाच रहा होगा ना। अब जो लोग बिग बॉस चाहते हैं, मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों? तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है? पूरे देश के सामने तुम गधे घोषित कर दिए जाओगे। कोई भी बिग बॉस देखते वक्त ये नहीं सोचता, वाह के खेल रही है ये लड़की, वाह ये लड़का पक्का मंत्री बनेगा, व्हाट पॉलिटिक्स यार, व्हाट पॉलिटिक्स। सब ये सोचते हैं, ये बावड़ा है, ये बावड़ी पूछ है, ये बावड़ी गांड है, और ये कौन है, ये कहां से है? अब जो लोग इस धरती से वास्ता नहीं रखते, मैं तुम्हें बता दूं, बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है और इस पर होने जा रहा है WWE हैंडीकैप मैच, सिंगल वर्सेस जोड़ी। सिंगल में आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज जिन्हें एक दो चौधुओं को छोड़कर कोई नहीं जानता, और जोड़ी में आते हैं कॉमनर्स, आम आदमी। तो आओ यार, एक एक करके देखते हैं कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, एक दो तीन और बस। ये हमारे पहले अननोन सेलिब्रिटी करणवीर बोरा। सरनेम ऐसा है बोरा, बोर नहीं करूंगा ये पक्का मेरा वादा। मैं तुम्हें बता दूं, ये कथक एक्सपर्ट भी हैं, और जब सलमान भाई को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला 21 चक्कर लगाओ तुम्हें टिप मिलेगी। तो आपके लिए टिप ये है कि कोई टिप नहीं है। अब बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई नंगू पंगू जरूर घूमता है, और इस बार ये अपने सेलिब्रिटीज दिखाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं जोड़ी की तरफ। दिखने में है ये बड़े सिंपल, आ रहे हैं रोमिल और निर्मल। ये वकील है और ये हवलदार। पहले ये अपने बक्कल के साथ हुड़ हुड़ दबंग करते चीट सलमान भाई, उसके बाद बिग बॉस ने इन दोनों के साथ बहुत बुरी की है। वकील को दोनों गालों पे चटाचट पंखे की रफ्तार से थप्पड़ मारे गए। लेकिन ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है, लोगों के हाथ से फूल चुराकर पूरे घर में भगता फिर रहा है, और फिर अपने आप को संडास में बंद कर लिया कि भैया चाहे बबीता की शादी हो जाए या सविता की भाभी, फूल तो नहीं दूंगा। इसीलिए बिग बॉस ने इन्हें काल कोठरी में डाल दिया। पता हो, एक हवलदार काल कोठरी में पड़ा है। गुड जॉब बिग बॉस। अब चलते हैं वापस हमारे सेलिब्रिटीज पर। शांति क्रिकेटर, इनका ना कुछ भरोसा नहीं है। जब बोला गया डॉक्टर्स के कहने पर श्री शांत इस कार्य का हिस्सा नहीं होंगे। अजी लौड़ा, भोगते रहेंगे सारे। पूरी बहस करने के बाद ये कहते हैं मैं मुझे एलिमिनेशन में डाल दो, मैं नहीं करूंगा, मेरा मेडिकल कंडीशन है, जितना तक खेल सकता हूँ उतना ही ले सकता हूँ। अबे और कितना ले जाएगा, वैसे तो छाती पे तो बोतलें फोड़ रखी हैं। फिर मेडिकल कंडीशन हो रही है, मेरा मेडिकल कंडीशन है, और इससे हर दूसरे दिन बकचोदी के द्वारे आते हैं जो कहते हैं मुझे घर जाना है। श्री मत कर, इधर से मत कर, मेरी का तुझे मेरी कसम है, छोड़ प्लीज भैया प्लीज, वहां पे मत जाओ। ये बिकॉज आप लोग यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना आप लोग। अरे कौन है भाई, अरे ये कौन भैंचो धर रहा था जा खटखटाने, सारे मारा गए, हम बिग बॉस के गार्ड्स हैं, एग्जिट पर ली तरफ भैंचो। अब
चलते हैं बिग बॉस के घर की मर्दाना औरत पर। जब ये बोलती है ऐसा लगता है 40 साल का आदमी गुस्सा कर रहा है कि उसकी महंगी वाली दारू कौन पी गया। कुछ भी बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं भी इंसान हूं, मेरे में सेंटीमेंट्स हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। करी जा रही है यार, यहां से बाहर निकाल दियो। ठीक है, थोड़ा शांत हो। रोमा आगे ले गया यार, इमोशनल हो गया। मैं भी शांत हो गया यार। आप बस रेडी काम करिए, दिमाग का दही कर दिया मेरे। ओके ओके, यू वांट वाटर? नो। इस वक्त तुम इससे कोई भी सवाल पूछते ना, ये नो ही बोलेगी। दुनिया गोल है? नो। क्या सलमान भाई कभी शादी करेंगे? नो। क्या कभी अच्छे दिन आएंगे? नो। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश, मेरी मैनर्स, मेरी क्लास, ये और इनको क्या बोल रहे हो? ये तो खुद पिछले क्लास में बोल चुके हैं, इनसे क्या एडवाइस दे रहे हो आप? पैसों के लिए ऐसे बकचोदी नहीं कर सकता मैं। इससे बढ़िया एमपीएल ऐप पे जाके गेम्स खेल लेता हूँ। पैसे भी मिलेंगे, इज्जत भी बची रहेगी, और अगर ज्यादा फन करने का मन करेगा तो टूर्नामेंट खेल लूंगा। वैसे ही देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब चलते हैं बिग बॉस के घर के सबसे मौजी लौंडे की तरफ, अनु चलोटा, दैट भजन गाय। पेशे से ये भजन सिंगर है, लेकिन लौंडा प्लेयर है यार। 65 साल के हो रखे हैं, फिर भी 28 साल की गर्लफ्रेंड लौंडिया पटा रखी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब ये ऐसे ही रहेगा। कैमरा ये किधर? ओह माय, ये भी रहेगा। इसे कहते हैं प्लेयर, और बिग बॉस भी पूरे मजे दिलाते हैं लौंडे को। इस मुकाबले का नाम है राजकुमार अनूप की दुविधा। दोनों विरोधी इस मुकाबले के दौरान राजकुमार अनूप का दिल जीतकर उन्हें पसंद और प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे। आओ देखो लड़कियां क्या क्या करती हैं इन्हें खुश करने के लिए। हमारे राजकुमार जी इतने क्यूट है ना। आपको पसंद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका दिल जीतना है हमें। राजा जी, मैं सोच रही हूँ आपसे सलाह मशवरा करना था कि अगर इनसे स्विमिंग करवाते हैं। स्विमिंग अगर करनी है तो लहंगे चोली में थोड़ी कोई करता। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी। सही बताऊं तो यार मुझे इससे जलन हो रही है। ये 65 साल का होकर लौंडियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। इसलिए मैं चाहता हूं हम सब मिलके इस व्यक्ति को रोटी सल्यूट दें। प्लेयर, अब चलते हैं एक ऐसे योद्धा पे जिसका नाम ही गजब है, दीपक। ये लोग जो सोचते हैं मेरे बारे में, अरे ये नहीं यार, ये किसको छोड़ा। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, भजना तेरे बिना। क्योंकि ये सलमान भाई से ज्यादा अच्छा गाता है, बिग बॉस ने इसे पिंजरे में डाल दिया। ये कौन है? कैद में बुलबुल। कैद में क्यों बंद किया भाई आप दोनों को? कांड करके आए हैं सर। इससे पता चलता है बिग बॉस में असली टैलेंट की कोई जगह नहीं है, तुम्हें बस बकचोदी करनी आनी चाहिए। और टेंशन मत लो, 2-4 साल बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा। ये चिल्लाता हुआ बिग बॉस राखी ने मेरा मेकअप ले लिया, बिग बॉस मंजूर हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, बिग बॉस मुझे इस घर में नहीं रहना, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अब और भी लोग हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन वो इतने बोर हैं कि जब उनमें से एक से पूछा गया, तो या आप सृष्टि हैं जी, तो रुबीना इनकी कोई खास बात है? सर काफी सारी खास वियर्ड बातें हैं। हाँ। कुछ एक रिवील करूंगी, दैट शी स्लीपवॉक्स। मुझे नहीं पता था नींद में चलना एक स्पेशल चीज है। क्या सोच के आते हैं ये लोग? हमारे पास नींद में चलने का टैलेंट है, दिन में तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, रात में फुटेज खाएंगे। अभी भी एक कंटेस्टेंट बचा है जो हर वीकेंड आता है, हमारे अपने सलमान भाई। अब मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वह मुझे बुझा देंगे, तो इसलिए मुझे एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। लेट्स गो।
मेरी बॉडी है मिसाइल, लड़कियां देख के करती स्माइल, मेरे स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल. आई एम द बॉस बिग बॉस, आई एम द बॉस बिग बॉस. बिग बॉस चलाता हूँ, करियर बनाता हूँ, फिल्म में डुबाता हूँ, पब्लिक नचाता हूँ, बच्चों दी चाहता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, लड़कियां बटाता हूँ, रेस में जाता हूँ. हजारों को चांस दिया, सबने ही हक दिया, रेमो को चांस दिया, उसने भी हक दिया. विवेक तूने क्या किया, आपने प्रमाण किया, विवेक तूने क्या किया. मैं हूँ तेरा हीरो, मुझे बोले सारे जीरो, इस इंडस्ट्री का मैं हीरो, घर पे बोले मुझे शीर, पापा बोले दो गुड पी लो, पापा बोले दो गुड पी लो. रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, बिल पूरी खा रहा था, बस बुला रहा था, गीगू गुना रहा था, लंड मेरा जा रहा था, किस्मत का मारा था, सीट पे लगा रहा था, अम्मी का प्यारा था, घर का रखवाला था, जनेत पे जा रहा था, नशों में नारा था, पैसे डुबा रहा था, फिल्म में बना रहा था, मुंगी बजा रहा था, सबको दिया होप, सबको कर रहा था, कोई स्कोप, डिफरेंट का था ना कोई स्कोप, फिर भी समझ आए, शोर न्यूज में आऊं हर रोज, आई एम द बॉस, बिग बॉस, आई एम द बॉस, बिग बॉस. लोग मुझे भूल गए, लोग मुझे भूल गए, लोग मुझे भूल गए, शक्ल देखे घूम गए, काम करके टूट गए, प्रेम में जाके फूट गए, लेकिन एक बार भूल गए, लेकिन एक बार हम एक दिन में छूट गए, सारे गहने लूट गए, चैरिटी में डूब गए, सारे गहने लूट गए, चैरिटी में डूब गए, पूरा छोटा फूक गए, प्रजा को भूल गए, हम एक दिन में छूट गए, एक दिन में छूट गए. I'm the boss, big boss, the boss, the boss, the boss, the boss, the boss, boss, boss. अब ये तो बिग बॉस का सिर्फ एक भाग था, दूसरा भाग घिरना भी बाकी है. तो अगर तुम्हें सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो. और एमपीएल ऐप डाउनलोड करो यार, वो गेमिंग का आईपीएल है, वहां 24 घंटे टूर्नामेंट चलते रहते हैं. तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, और अगर बुरी रही तो पैसे तो मिल ही जाएंगे यार. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूँ, मोहित की बहन के भाई की छोटे गोटे की शादी है. बाय मोहित. एक तो साले दिवाली के दिन कौन शादी करता है, पागल हो गया तेरा खानदान. मेरी बॉडी है मिसाइल, लड़कियां देख के करती स्माइल, मेरे स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल. आई एम द बॉस बिग बॉस, आई एम द बॉस. Big boss.